हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह। मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु से प्रेयर करें। पूरे दिन प्रभु हमें संभाला, हमारे परिवारों का भी ख्याल रखा। मैं आपको बता दूं कि पूरे रात भी संभालेगा, हमारे परिवारों का भी देखभाल करेगा, देखरेख करेगा। आने वाले दिन में भी उसका अनुग्रह हमारे ऊपर से हटेगा नहीं, बल्कि बना रहेगा। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु हम सबों से अगम्य प्रेम करता है, बहुत प्यार करता है। अभी तक वो हम सबों को अपने पनाह में रखा है, अपने छत्र छाया में पाल रहा है, बढ़ा रहा है। मेरे प्रियो, हमेशा हम प्रभु के पनाह में रहेंगे, प्रभु के छत्र छाया में पलेंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि चाहे परिस्थिति हालात जैसा भी हो, हम प्रभु से लिपटे रहते हैं। कितनों भी मुश्किल घड़ी आए, बुरा वक्त आए, उसके प्रेम में बने रहते हैं, उसके मार्गों से भटकते नहीं हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और प्रभु खुद बोलता है कि जो मेरे निकट आएगा, मैं भी उनके निकट आऊँगा। प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु आप में बना रहेगा, और आप पे सारे कठिनाइयों से पार हो जाएंगे, और प्रभु में सुख पाएंगे, चैन आराम को पाएंगे, शांति को पाएंगे। हालेलुया। हाँ, वो भी पाएंगे जो कोई नहीं पा सकता। पाता है वो क्या है? अनंत जीवन। हालेलुया। जो प्रभु में है उन्हीं को मिलेगा अनंत जीवन। जो भटक जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं, भुला जाते हैं, वो अनंत जीवन को खो देते हैं। हाँ, प्रभु के राज को, स्वर्ग को खो देते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु में बने रहिए। अब प्रभु देर नहीं करेगा, आएगा। उसका आगमन निकट है, वो आएगा, आपको अपने साथ अपने राज में ले जाएगा, वहाँ रखेगा जहाँ वो खुद रहेगा, वहाँ बैठाएगा जहाँ वो खुद बैठेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मेरे प्रिय, प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे इस बात के लिए कि सुबह से लेकर शाम तक प्रभु हमें जीवित रखा है और जीवितों के उजियाला में चला रहा है। फिर इसके बाद मेरे प्रियो, आपकी जो समस्या है प्रभु के सामने रखिए, आपकी जो मांगे हैं प्रभु के आगे अपने हाथों को फैलाकर मांगिए। प्रभु सब कुछ ठीक करेगा और आपकी मांगे पूरी करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे प्रियो, अगर आप पे पूरे रात अच्छे से सोना चाहते हैं तो प्रार्थना कीजिए, प्रभु के वचन को पढ़िए, पूरे रात अच्छे से सोएंगे। हाँ, जब आप अपने बिछौने में सोने जाएंगे तो पूरे रात आप अपने बिछौने में नीचे सोएंगे, सुख शांति चैन से सोएंगे। प्रभु आपको अच्छी मीठी नींद देगा। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करके सोते हैं, वचन को पढ़कर सोते हैं। मैं आपको बता दूं कि ऐसा 66 अध्याय के 13 में लिखा है कि जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती हैं, वैसे ही प्रभु आपको शांति देगा। प्रभु अपने दूतों को आपके सामने खड़ा करेगा कि वो आपकी रक्षा करे, पूरे रात आपको संभाले, आपका ख्याल रखे। और एक और नए दिन में प्रवेश कर रहा है, प्रभु खुद और अपने दूतों को भी आपको सुरक्षा के लिए देगा, आपको देखभाल करने के लिए देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो।
महिमा हो प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पूर्वजों का खुदा, आपकी स्तुति करते हैं सनातन चट्टान, आपकी स्तुति करते हैं महिमा करते हैं दाऊद के परमेश्वर, मूसा अब्राहम एलिया एलिशा दानियल योना की खुदा धन्यवाद देते हैं, यहोवा ईरे यहोवा शामा यहोवा सलोम रुगारा फनीसी धन्यवाद करते हैं, चैन दीजिए प्रभु, सुख आराम दीजिए, शांति दीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु मृत्यु के समय हमारा जीवन बनने वाले, अंधकार के समय ज्योति बनने वाले, आंसू के समय हमारा माता बनने वाले, चिंता के समय हमारा पिता बनने वाले खुदा मन यीशु आपका धन्यवाद करते हैं, अनुग्रह कर प्रभु, दया कर प्रभु जी, आज की शाम में आज की सुंदर संध्या काल में आपके सामने घुटना पे हैं, आपके आगे अपने हाथों को फैलाएं, हाँ प्रभु उन लोगों के लिए आपके सामने घुटना पे हैं, उन लोगों के लिए अपने हाथों को आपके आगे फैलाएं जो कि इस प्रार्थना में शामिल हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और विश्वास के साथ ग्रहण कर रहे हैं, होने दे प्रभु उन सबों के मृत्यु के वक्त उन सबों का आप जीवन बनिए, उन सबों के अंधकार के वक्त उन सबों का आप रोशनी बनिए, ज्योति किरण बनिए, प्रकाश बनिए, उन सबों के आंसू के वक्त उन सबों का माता बनिए, उनके आंसुओं को पोछिए, उन सबों के चिंता के वक्त फिक्र, हाँ प्रभु डिप्रेशन के वक्त उन सबों का पिता बनिए, धन्यवाद यीशु, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी, आपकी स्तुति हो महिमा हो प्रभु, प्रभु जी किसी के आंखों में आंसू आने मत दे, किसी के जीवन में निराशा आने मत दे, किसी के मुख पर उदासी छाने मत दे, किसी के पाँव को किसी भी फंदे में फंसने मत दे, किसी के मस्तक को नीचा होने मत दे प्रभु, अनुग्रह का स्वर्गीय पिता किसी के पाँव में पत्थर से ठेस लगने मत दे, कोई परीक्षा में ना पड़े, मुसीबत में विपत्तियों में ना पड़े, दुख दर्द पीड़ा में ना पड़े, किसी भी समस्या उलझन कलेश में ना फंसे, सब प्रभु सुखी से रहे, जितने इस प्रार्थना में शामिल है सब प्रभु चंगा भला रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे, जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रहे प्रभु, जीवितों के उज्याला में चले, किसी को किसी प्रकार की कमी घटी ना हो, कोई प्रभु किसी के सामने घुटना ना टेके, किसी भी चीज बात भली वस्तु के लिए अपने हाथों को किसी के सामने ना फैलाए, किसी के आगे ना फैलाए, हे प्रभु सबों के निकट रहकर आप खुद सबों को संभालिए, सबों का ख्याल रखिए, समय पर सबों की जरूरत की चीज़ आवश्यकता है की चीज़ें सबों को बहुत आय से दीजिए, ताकि किसी को किसी के सामने घुटना टेकना ना पड़े, हाथों को किसी के आगे फैलाना ना पड़े, अनुग्रह का स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते हैं, इस प्रार्थना में जितने मसीह भाई बहन शामिल हैं जैसे भी हैं आपके हैं उनकी ओर अपना दृष्टि कीजिए प्रभु, और शांति दीजिए, जैसे एक माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही आप हमें, हाँ हम सबों को शांति दीजिए, क्योंकि आपका वचन ऐसा बोलता है ऐसे 66 अध्याय के 13 कहता है कि जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देते वैसे ही आप भी हमें शांति देंगे, तो होने दीजिए प्रभु, आप अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन में कार्य कीजिए, हमें प्यार दीजिए, दुलार दीजिए प्रभु, आपकी स्तुति हो, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए प्रभु, धन्यवाद देते आपकी स्तुति हो महिमा हो प्रभु, धन्यवाद करते सुराजा, धन्यवाद करते खुदा यीशु, धन्यवाद करते हैं आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं,
तारीफ की बड़ाई करते हैं लॉर्ड जीसस, सहायता मददगार करने वाले धन्यवाद करते हैं। पूरे दिन प्रभु आप संभाले हैं, पूरे रात भी संभालिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए। आपकी स्तुति हो प्रभु, परमेश्वर महिमा प्रशंसा हो प्रभु, ख्याल रखिए प्रभु। होने दीजिए प्रभु इस प्रार्थना में जितने बच्चे नौजवान बड़े बुजुर्ग हाँ जितने मसीह भाई बहन शामिल हैं प्रभु जी, उन सबों के दुखों के ऊपर, दर्द पीड़ा के ऊपर, रोग बीमारी के ऊपर, समस्या उलझन कलेश के ऊपर, चिंता टेंशन डिप्रेशन के ऊपर प्रभु जी, निराशा उदासी के ऊपर दृष्टि डालिए और उसमें से बाहर निकालिए। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, सबों के मन के बातों को आपके सम्मुख रखते हैं, पूरा होने दीजिए। अनुग्रह कर प्रभु जी इस भाई का, इस बहन का, बच्चा नौजवान पड़े बुजुर्ग का जो मांगे हैं पूरा होने दीजिए। जिस किसी के लिए जो कुछ का मांग किए हैं दीजिए, जिस किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना विनती याचना कर रहे हैं, उनके जीवन में काम कीजिए। हे प्रभु अनुग्रह कर उत्तम भंडार, आप अपना उत्तम भंडार सबों के लिए खोल दे। जितने सुंदर शाम के वक्त आपके सामने घुटना टेके हैं, आपके आगे अपने हाथों को फैलाए हैं, उन सबों के लिए प्रभु आप अपना उत्तम भंडार खोल दीजिए और बहुत ऐत की आशीष सबों को दीजिए। अनुग्रह कर प्रभु आकाश के झरोखे, स्वर्ग के झरोखे उन लोगों के लिए खोल दे जो दान दशमांश दिए हैं। जितना दिए हैं उसके 10 गुना, 1000 गुना, लाखों गुना, करोड़ों गुना उन्हें लौटाइए। धन्यवाद यीशु, पैसा की ज़रूरत है दीजिए स्वर्गीय पिता, जो कर्जों से दबे हैं उनके जो में बिजनेस में, व्यापार खेती बाड़ी में, उन सबों का जो भी कारोबार है उसमें आशीष दीजिए, ताकि वो लोग प्रभु बहुत जल्द आसानी से अपने कर्ज महाजन लोन को भर सके, चुका सके। सहायता कीजिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं। शैतान के हर एक बंधन बिड़ियन जंजीरों से छुटकारा दीजिए, सारे दिक्कत परेशानी से प्रभु छुटकारा दीजिए। प्रभु तू महान खुदा है, सहायता कर, मदद कर, मददगार खुदा आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। अनुग्रह कर प्रभु सारे रोग बीमारी से छुटकारा दे, पेट के सूजन को ख़त्म कर दे, सिर के दर्द को प्रभु, मसूड़े के दर्द सूजन को ख़त्म कर दे, नस मांस हड्डी के सारे रोग बीमारी को ख़त्म कर दे, कैंसर इन्फेक्शन एलर्जी पिंपल स्किन प्रॉब्लम शुगर थ्राइड बीपी हार्ट की बीमारी से छुटकारा दे प्रभु जी। सफ़ेद दग धब्बे घाव फोड़ा फुंसी चमर रोग उकवत दिना खाज खुजली घाटा गिल्टी रसोली से हाथी पाँव से छुटकारा दे। मोतियाबिंद की बीमारी, कानों की सनसनाहट खत्म होने के लिए प्रार्थना करते हैं। मुंह से ब्लड आना बंद हो जाए इसके लिए दुआ करते हैं। नाकों से ब्लड आना, कानों का बहना बंद हो जाए सहायता कर। जिनका लीवर खराब है ठीक हो जाए सहायता कर। जिनके अंदर ब्लड नहीं बनता अनुग्रह करके ब्लड बनने लगे। जिनके अंदर कमजोरियाँ हैं दूर कर, जो भी खाए पिए देह लगने पाए सहायता कर। जिनको उल्टियाँ होता है, चक्कर आता है प्रभु जी, चक्कर आना बंद हो जाए, उल्टियाँ होना बंद हो जाए अनुग्रह कर प्रभु जी आपकी स्तुति करते हैं। गैस्ट्रिक की बीमारी खत्म हो जाए सहायता कर। कैल्शियम की कमी खत्म हो जाए सहायता कर। अनुग्रह कर प्रभु जी आपकी स्तुति हो, महिमा हो प्रभु परमेश्वर। बॉडी के एक एक अंगों को चंगाई दीजिए, पैर के तलवे से लेकर प्रभु जी सिर के बाल तक एक एक अंगों को नए पत्ते की तरह हरा भरा रखिए, चंगा वाला स्वस्थ रखिए प्रभु। धन्यवाद देते आपकी स्तुति हो, महिमा करते महिमा मैं प्रभु आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते बड़ाई करते हैं। आप हमारी सुने ग्रहण किए स्वीकार किए धन्यवाद देते। अनुग्रह दीजिए प्रभु सबों को, अनुग्रह दीजिए धन्यवाद करते आपकी स्तुति हो प्रभु। डरावना बुरा सपना से छुटकारा दीजिए, जिनको डरावना बुरा सपना आता है उनको चंगाई दे प्रभु। जो रात के अंधेरों से डरते हैं उनको शक्ति दे प्रभु जी, डर को ख़त्म कर दे, घबराहट को ख़त्म कर दे। धन्यवाद देते सहायता कर, मदद कर मेरे मददगार खुदा आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। सरादर महिमा और सम्मान आपको मिले प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे सुने ग्रहण किए स्वीकार किए उत्तर भी हाँ आमीन में दिए। धन्यवाद देते हैं, सरादर महिमा और सम्मान आपको मिले। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं खुदा
आमीन 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 लॉर्ड जीसस आमीन। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो रोज डेली हाँ प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर होगा। प्रभु आपको बहुत हद से ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा। कल सुबह 4 बजे की प्रार्थना को जरूर रिसीव कीजिएगा। कल सुबह 4 बजे की प्रार्थना में जरूर शामिल होइएगा। सच में प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। और अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। प्रभु उस पर दृष्टि करके उसका उत्तर जवाब आपको हाँ आमीन में देगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते हैं आप और आपकी दिव्य प्रार्थना निवेदन प्रभु का हजूरी में रखकर प्रार्थना करते। विश्वास कीजिए, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, सच में भलाई के कामों को प्रकट करेगा। प्रभु आपको ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुरे नाम में जय मसीह।